हाय गाइस, दिस पूजा गुप्ता, वेलकम टू मीडिया मेंटर्स। सो फाइनली JSC CE का एग्जाम हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आई हैव हर्ड मोस्ट ऑफ यू गाइस हैव गॉट अबव 80, जिनको कम मिला है सॉरी फॉर दैट, बट चलो ठीक है, मोस्टली आपको 80 के ऊपर मिला है एंड 50-50 आपका जो है 12th मार्क्स और सी का मार्क्स काउंट होने वाला है। इन दिस वीडियो आई टेल यू अबाउट द एडमिशन जो कि शुरू होने वाला है आज 3 बजे सेल्फ फाइनेंस कोर्स का, और जो आपका BA ट्रेडिशनल प्रोग्राम जो है BA BCOM एंड BSc उसका ऑलरेडी ऑन है। सो फॉर ऑल द डिटेल्स आराम से प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो गाइज, आज ही नोटिस आई है जय हिंद कॉलेज के वेबसाइट पे दैट FY BA BCOM BSc ट्रेडिशनल कोर्सेज का जो एडमिशन प्रोसेस है ओपन है, HSC के स्टूडेंट अप्लाई कर दो एंड ड्यू टू डिलेड रिजल्ट, और या तो जिनका रिजल्ट नहीं आया है CBSE ICSE बोर्ड का रिजल्ट के वजह से, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस होगा बाद में। वो बाद में कब है उसकी कोई डेट नहीं दी है। अगर वो CBSE के लिए रुक रहे हैं तो जो बाद में का डेट है एजम्पशन और लॉजिक के हिसाब से इट will be not before 20th of July. So we'll have to wait for the exact date ki kab merit list announce karega Jai Hind College for BCOM, BSc and BA. नाउ कमिंग टू सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, जो कि अपना BMM, BMS, BAF, BVI जितने के लिए एंट्रेंस एग्जाम हुआ है JSC CEE, उनका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने वाला है अभी 3 बजे से। ऑल ऑफ यू हैव गॉट योर रिजल्ट्स बिकॉज ऑटो जनरेटेड था, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हुआ आपके स्कोर आपको मिल गए। अब जो HSC के बच्चे जिनके पास स्कोर कार्ड है वो लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं, जिनका नहीं है वो वेट करेंगे। और मेरिट लिस्ट सिमिलर लाइक अपना ट्रेडिशनल कोर्सेज का, ये मेरिट लिस्ट भी बाद में अनाउंस होगी बिकॉज जय हिंद कॉलेज डिसाइडेड कि वो वेट करने वाले हैं CBSE रिजल्ट्स का। इम्पॉर्टेंट नोटिस, इफ यू हैव नॉट गिवन JSC CEE कॉमन एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी सेल्फ फाइनेंस कोर्स इन जय हिंद कॉलेज। सो जिन बच्चों ने CE दिया है वो ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल द सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो थोड़े और पैसे जाने वाले हैं आप लोगों के। Now the admission form will cost you 500 rupees. So समझो अगर आपको apply करना है BBA, BMS, BAF तीनों के लिए, तो आपको जब आप admission form भरोगे, link description box में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर जब आप course select करोगे each course का each form आप जब भरोगे 500 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। So yes, apart from the entrance exam, Jai Hind is charging you for the form as well, जो कि थोड़ा expensive है, थोड़ा नहीं काफ़ी expensive है because other colleges are charging 100-150, but Jai Hind is making good money on form, so yes, 500 each form. So this was the update so far. Any other update if it comes in, and specially वो तो आएगा ही, merit list का कब announce होगा and everything, you will get all the updates on my channel, so stay tuned for it. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.